सभी देशवासियों को मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी। मित्रों, महालक्ष्मी व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनका आगमन सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके चरणोदक लेकर के उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा धन धान राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी बना रहे। इतना सुनकर के श्री वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन वा वर्णन करेंगे राजन, जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास आपके महल में बना रहेगा, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा। तब वेदव्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। ये डोरा बनकर के तैयार हो गया। प्रतिदिन एक गांठ लगाएं, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास रख करके मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बता करके श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा भेजा। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई, साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को अपना बड़ा अपमान समझा। माता कुंती को अपमान लगा, उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर के वो बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देख करके पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र,
आज महालक्ष्मी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उसे बड़े धूमधाम से पूजने के लिए हाथी को गांधारी के महल में चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां शुरू हो गईं। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया, एक पत्र लिख करके इंद्रदेव महाराज को संदेशा भेजा कि अर्जुन का प्रणाम, इंद्र महाराज के चरणों में पहुँचे, मेरी माता ने व्रत रखा है, कृपया करके आप अपने ऐरावत हाथी को हमारे यहाँ महल में भेजने का कष्ट करें, आपका प्रिय अर्जुन। इंद्र ने उस संदेशा को पढ़ा, संदेशा को पढ़ करके इंद्र ने पुनः एक पत्र भेजा कि मैं अपने ऐरावत को पृथ्वीलोक में कैसे भेजूं। अर्जुन ने पुनः उस संदेशा को सुना और दूसरा संदेशा उन्होंने भेजा, मैं गांडीव धनुष से तीर निर्माण करके पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक के लिए एक पुल का निर्माण कर देता हूँ, उसके द्वारा आपका ऐरावत हाथी बड़े आराम से आ जाएगा। इधर कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा किया जाएगा। ये समाचार सुनकर के गांधारी के यहाँ बैठे हुए सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ उठ करके धीरे धीरे करके कुंती के महल में पहुंच गई और गांधारी के महल में हलचल जो हो रही थी वो बंद हो गई। वहाँ एकत्रित सभी महिलाएं, बालक, वृंद सब अपनी थालियां पूजन की लेकर के कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया, पूजन की तैयारियां शुरू हो गईं। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। माता कुंती ने ऐरावत को उस चौक में उतारा जहां पर सुंदर एक चौक बना हुआ था, सुंदर रेशमी वस्त्र बिछा हुआ था, ऐरावत हाथी के ऊपर सुंदर रेशमी वस्त्र पड़े हुए थे, सुंदर मणियां लगी हुई थी, झालरों के द्वारा रुंझन रुंझन करता हुआ वह सुंदर हाथी जिसमें सुंदर एक पालकी ऐरावत उस पर बैठा हुआ, जय जयकार की ध्वनि हो गई। संध्याकालीन के समय पे वह चौक में जैसे विराजित हुआ, तालियां बजने लगीं, सब जय जयकार करने लगे। सायंकाल के समय राज पुरोहित सुंदर मंत्रोच्चार के द्वारा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, माता लक्ष्मी के द्वारा आवाहन करते हुए माता लक्ष्मी को बुलाया। माता लक्ष्मी उस ऐरावत हाथी के ऊपर रखी हुई पालकी जो सोने की थी उसमें माता लक्ष्मी विराजित हुई। सभी नारियों ने माता लक्ष्मी का पूजन किया,
हाथी को भी पकवान मिष्ठान फल आदि भेंट किए। जमुना जल पिलाया। माता लक्ष्मी को नारियों ने सौभाग्य सूत्र श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित की। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी को चढ़ा करके सभी नारियों ने प्रणाम किया और उस 16 गांठ के डोरे को सभी नारियों ने अपने हाथों पे बांधा और इसके बाद माता लक्ष्मी ने राज सुख संपदा का आशीर्वाद देकर के पुनः अपने स्थान को चली गई। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम आप मिट्टी के हाथी का निर्माण करके पूजन करते हैं। संध्याकालीन उसका पूजन करें, व्रत कथा करें, पकवान मिष्ठान फल अर्पित करें, फिर उसको हाथी को अपने पूजा स्थान पे या जो भी पवित्र स्थान हो वहाँ पर स्थापित कर दें। इस प्रकार से जो भी नारी ग्रह की लक्ष्मी महालक्ष्मी का व्रत करती है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक नारी को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स पर जय महालक्ष्मी लिख करके कमेंट जरूर करें। हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी।